हिसाब से हम सोचे हैं तो। और दूसरी बात जो है कि रिकरेंस डर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शन जो है कि जो सेल लेवल पे इन्फेक्शन बढ़ते रहते हैं उसके वजह से आता है। अगर आयुर्वेद के बारे में हम सोचते हैं तो इसका मेन ये है कि हेतु हेतु अगर आपका आपने बराबर डायग्नोस किया है या हेतु बराबर है आपका या हेतु को जिस वैद्य ने या डॉक्टर ने आपको बताया कि ये आपके फंगल इन्फेक्शन होने के हेतु है और उसको ब्रेक डाउन जो ये करने वाले हो तो इसको बंद करना पड़ेगा, वो अगर बंद नहीं होते और कंटिन्यू शुरू ही रहते तो उसके वजह से ये रिकरेंस बार बार बढ़ता है। तो ये अब हमें ध्यान रखना है। और दूसरी जो बातें हैं कि फंगल इन्फेक्शन के बारे में, तो उसमें ऐसा है कि कुछ कॉजेस है फ्रॉम पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू कि उसमें क्या होता है कि पेशेंट जब पहली अवस्था में ये डिसीज शुरू हो जाता है तो उसमें ऐसा है कि पेशेंट खुद से ही मेडिकेशन लेना शुरू कर देते हैं और ये बराबर बात नहीं ये रहती है। और उसके बाद में अगर किसी डॉक्टर्स के पास जाते हैं उसके उनकी मेडिसिन शुरू करते हैं तो वो जो कोर्स रहता है उसको कंप्लीट नहीं करते हैं। उसके बाद वो कुछ अभी यूट्यूब का ज़माना है और माउथ पब्लिसिटी उसके वजह से क्या हो जाता है कि क्विक रिलीविंग रिलीफ जो है कि क्विक रिलीफ के लिए जो नुस्खे हैं वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो उसके वजह से ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर रिलीफ नहीं मिलता है पेशेंट को, आजकल पेशेंस नहीं है तो वो डॉक्टर्स चेंज करते हैं, डॉक्टर्स चेंज करते हैं तो उसकी सोच वो पहले से जीरो से शुरू करेंगे और फिर इसको प्रॉब्लम आती जाएंगे कि ट्रीट करने के लिए ड्यूरेशन बढ़ते जाएंगे तो वो क्रोनिसिटी में आ जाता है। दूसरे बात ये है कि हम अगर देखते हैं 100% नॉट वो एडवाइस ही हम हमारी फॉलो नहीं कर सकते कि सर हमको ये नहीं जमता है वो हम ये उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, ये सब बातें रहती है। और इरेगुलर मेडिकेशंस, कुछ कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि उनको अपने डिसीज़ के बारे में ही इम्पोर्टेंस नहीं है कि ये डिसीज़ कहाँ से क्या लेवल तक जा सकता है और उसका क्या मल्टी ऑर्गन तक वो पहुँच सकता है, ऐसी उनको उसके बारे में जानकारी नहीं रहती है तो वो एक फैक्टर उनका है। दूसरा फ्रॉम डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर उसका सोचते हैं अपन तो लाइफ स्टाइल डिसीजेज जो है जैसे ओबिसिटी हो गई है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हाइपर कोलेस्ट्रॉल जो है, हाइपोथायराइडिज्म, तो ये सब जो बातें हैं ये जो डिसीजेस है तो वो ये फंगल इन्फेक्शन को बढ़ावा देती है, उसको ट्रीट करने के लिए प्राप्ति जो है कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अभी आज के लेवल पे बुकिश डिसीजेस कोई मिलते नहीं है आपको, बुक में जैसी डेफिनेशन दी है, जैसा उसका कॉजेज ये है, साइज सिम्टम्स दिए, उस तरीके से कोई भी डिसीज़ आपको मिलने वाला नहीं है। आपके पास अगर कोई भी आता है तो वो डिसीज मिक्स फॉर्म में आता है, आयुर्वेद के हिसाब से भी आप देखने जाओ तो कोई एक डिसीज़ है या उसको अगर मैं डिफाइन करूँ तो उसको कान किसी और का है, आँख किसी और की है, पैर किसी और के है और उसका पूंछ किसी और जानवर की है, ऐसे मिला के जो अगर अलग ही कुछ ऐसा कुछ क्रिएट होता है। तो आजकल हमें डिसीज़ वही कि हमें एक डिसीज़ के इसमें मल्टीपल डिसीज़ के लक्षण दिखाई देते हैं तो ये हमारे जो आचार्य हैं इन्होंने तो बताई है कि दोष दुष्य जो समोचना से इससे अगर आप उसका वो डिसीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हो तो ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत इजी हो जाता है, ये एक पॉइंट रहेगा। और दूसरी बात है कि जो कुछ भी ये बातें शेयरिंग पर्सनल यूटेंसिल्स और दूसरा नॉन एब्सॉर्बेंट जो क्लोथ्स रहते हैं, अभी तो जो मटेरियल्स आ गए हैं तो वो स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करता, ये सब है ऑक्यूपेशन की वजह से। अगर जो कुछ भी है कि एजुकेशन नहीं रहता है कि हाइजीन कैसे मेंटेन करने का, और सबसे मेन रीज़न जो आता है वो एनवायरमेंटल चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस और उसके बाद में उसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इसका और उसके वजह से स्वेटिंग, ये मेन रोल रहता है। तो आज के टॉपिक
जो डिस्कस करना था, जो थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने बताया, तो इसमें एक फैक्टर के बारे में जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से फंगल इन्फेक्शन में कैसे चेंजेस थोड़े फार होते हैं और उसमें ट्रीटमेंट कैसे चेंज करना है, और फंगल इन्फेक्शन को समर सीज़न में होने वाला फंगल इन्फेक्शन उसका जो पिक्चर दिखता है, रेनी सीजन में होने वाला फंगल इन्फेक्शन और विंटर सीजन में होने वाला फंगल इन्फेक्शन, ये बातों में जो वेरिएशंस है, और जो फंगल इन्फेक्शन 6-6 महीने तक ये नहीं होता है, तो उसके बारे में हमें आज बात करनी है। तो जैसे समर सीज़न में होने वाला जो फंगल इन्फेक्शन है उसमें सबसे मेन बात है कि स्वेटिंग ये मेन बात है। तो स्वेटिंग के वजह से क्या होता है कि जो सबसे मेन फंगल इन्फेक्शन में जो ये है ईचिंग एक जो फैक्टर है वो बढ़ जाता है। पित्त का ये प्रकोप का काल रहता है, और जैसा वसंत वहाँ से अपन फेब्रुआरी मार्च अप्रैल यहाँ से जो शुरू हो जाता है, तो अभी देखो कि धूप कितनी है बाहर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो इसके वजह से रेडनेस और बर्निंग ये प्रॉब्लम थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें अगर ये करना है तो यहाँ पे ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू कॉमन जो ट्रीटमेंट है कि जैसे कुष्ठ के लिए आप जो भी यूज करते हैं कि आरोग्यवर्धिनी वटी, सूक्ष्म त्रिपड़ा है, कृमि गुटा रस है, स्वयंभू गुगुड़ है, पंचतिक्त गुरुद गुगुड़ है, गंधक रसायन है, हरिद्रा खंड है, ये सब बातें है, और सूतशेखर रस, बाकी एकल द्रव्य है उसमें से कुछ अप्लीकेशन के लिए तेल है, तो इनका जो सिलेक्शन है वो इस तरीके से करना है कि वो ये सब बातों को ध्यान रखते हुए उनको इम्प्लांट करना है, यानी प्लानिंग में अपने लाना है। जैसा कि कुछ बातें हैं कि जैसे सोरियासिस का पेशेंट है और फंगल इन्फेक्शन का पेशेंट है, इसमें पंचकर्मा जनरली हम ज़्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि क्रोनिसिटी उसको ब्रेक करने के लिए, दोष दुष्ट संरचना इसको तोड़ने के लिए, और उसके बाद में मेडिसिन का इफेक्ट थोड़ा जल्दी आए इसके लिए हम जो प्रयास करते, तो उसमें ऐसा देखा गया है कि सोरियासिस का पेशेंट है उसको थोड़ा सा अर्ली वमन यानी कैसा है कि जनवरी है, मार्च स्टार्ट होता है उस वहाँ तक, या अप्रैल के लास्ट वीक तक वमन दे देना चाहिए, तो इसका, और उसके बाद में वमन होने के बाद स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन यूज़ करना चाहिए, तो थोड़ा इफेक्ट जल्दी मिलता है। दूसरी बात यह है कि जो फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन में ऐसा है कि थोड़ा लेट वमन करना है, अगर वमन इंडिकेटेड हो रहा है वो पेशेंट में तो लेट वमन करना है, यानी जैसा ये है कि मार्च एंड और वो मई के फर्स्ट वीक तक, ऐसा ये इन दिनों में वमन हमें प्लान करना है, और उसके बाद में शमन मेडिसिन पे शिफ्ट हो जाना है, तो ये उसकी बात रहेंगी। अगर ईचिंग बहुत ज़्यादा है तो ईचिंग बहुत ज़्यादा है समर सीज़न में, तो ऐसा देखा गया है कि कैशोर गुड़ आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है तो उसमें पंचतिक्त गुड़ आप यूज करते हैं तो उसका इफेक्ट आपको मिल जाता है। अगर ईचिंग ये बहुत यानी लॉन्ग टाइम से है और उसकी फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ते जा रही है, तो उसमें अरिष्ट कल्पना थोड़ी अच्छी काम करेंगी, क्योंकि ये जो उसकी बनाने की विधि है और उसका जो पेनिट्रेशन पावर है कि वो मेडिसिन को धातु लेवल तक लेके जाने का और काम करने का, वो अरिष्ट कल्पना में थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो उसमें बेनिफिटेड रहेगा। और ये सब फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट करते हुए अगर आपने ट्रीट कर लिया है उसको, तो अगर लक्षण उसके निकल गए तो ऐसे सोचना नहीं कि ये आप ट्रीट हो गया है, क्योंकि इसमें रिकरेंस ये बहुत ज़्यादा ये रहता है, क्योंकि ये धातु के अपने धातु के लेवल तक इसकी संप्राप्ति रूटेड हो जाती है, तो इसमें अपुनर्भव जो चिकित्सा बताइए तो वो हमें कंटिन्यू रखनी है। तो जो भी दोष दुष्य के हिसाब से आपने डायग्नोसिस किया है वो पेशेंट में फंगल इन्फेक्शन इसको देख के, वो लक्षण देख के, उसकी हेतु संप्राप्ति ऐसे जो भी, तो वो दोष को शमन करने के लिए आपको
अपुनर्बोध में जो चिकित्सा है इसमें आपको वो कल्प या कुछ ग्रुत है या काढ़ा है आसवरिष्ट, ये कल्पना है कि वो आप यूज कर सकते हैं उसमें। दूसरी बात ये है कि आपको उसमें भस्म जो है भस्म भी आप अच्छी तरीके से उसमें यूज कर सकते हैं। जैसे समर सीजन में आपने बाकी तो कॉमन जो मेडिसिन है आरोग्यवर्धिनियों की सूक्ष्म त्रिफड़ा और बाकी के गंधक रसायन, ये जो वो कंडीशन के हिसाब से पेशेंट के संप्रप्ति के हिसाब से आपने यूज कर रहे, पर उसमें एडिशनल आप सबसे ज़्यादा फोकस अगर करोगे तो मुक्ता सुक्ति भस्म है कामधुदा है, पर समर इसमें कैसा है मुक्तिक कामधुदा थोड़ी से आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा ये चीज़ का। मुक्ता शुक्ति भस्म है तो ये थोड़ा पित्त कफ को पे काम करने वाले पित्त कफ को शमन करेगा। इन्फेक्टिव पैथोलॉजी जो रहती है ज़्यादा उसमें ब्रेक डाउन करने का काम मुक्ता शुक्ति भस्म थोड़ा सा अच्छे तरीके से करेगा। सुवर्णमाक्षिक है, सुवर्णमाक्षिक ये बेस्ट ये कंडीशन में काम करेगा। इसमें जो रक्त प्रसादन करने की क्वालिटी है और तो उसके वजह से सुवर्णमाक्षिक ये समर सीजन का में होने वाला जो फंगल इन्फेक्शन है इसमें आपको ज़्यादा मात्रा में उसका यूज करना है, और उसको कैसे यूज करना है वो पेशेंट के हिसाब से आपको देख के उसको कैसे प्लान करना है। कोई कल्प में कुछ एकल द्रव्य के इसमें आपको तो वो आप प्लान कर सकते हैं। तो ये दो ये हो गए। आपको सारीवा चूर्ण, खदीर निम्ब, उशीर चंदन, इन सारी एकल द्रवों का मैक्सिमम अपने ध्यान में रखना है इसको कि हम इसको कैसे पेशेंट में यूज़ करने के लिए। तो इसमें कल्पना जो है बाकी ग्रुत में ग्रुत बना के देना है उनको, उसका तेल बना के देना है, उसका लेप देना है कि उसको इंटरनल यूज के लिए देना है, किस द्रव्य के साथ कॉम्बिनेशन करना है। तो ये सारीवा खदीर निम्ब ये गुड चॉइस ऑफ ड्रग इन फंगल समर के फंगल इन्फेक्शन में रहेगा। उशीरा सव और खदीरा रिष्ट ये मैं अपने प्रैक्टिस में ये सीजन में थोड़ा ज़्यादा यूज़ करता हूँ। हाइपर हाइड्रोसिस, इचिंग, स्वेटिंग या ये जो प्रॉब्लम है इनको थोड़ा सा काब करने के लिए ये अच्छे रिजल्ट देगा। स्वेटिंग की क्वालिटी जो है, स्वेट की क्वालिटी वो इम्प्रूव ये जो उशीरा सव है या खदीरा रिष्ट है इनकी वजह से वो क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी। औदुम बरावल है, परिपाटा दी काढ़ा है फॉर फास्ट ग्रोविंग जो फंगस रहता है, क्योंकि इसमें क्या होता है समर सीजन में कि धातुगत उष्णता भी बढ़ जाती है और देश की जो है कि एटमॉस्फेयर की उष्णता भी बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से पित्त प्रकोप का ये काल शुरू रहता है। इसमें दाह, राग, रेडनेस ऐसी जो लक्षण है वो उभर के आते हैं, और उसके वजह से एक इरिटेशन हो जाती है, पेशेंट इरिटेट हो जाता है। उसके वजह से यानी वेदर का टेम्परेचर बढ़ गया, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, अगर फंगल इन्फेक्शन है उसमें राग और दाह ये लक्षणें बढ़ जाएंगी, और ये लक्षण ऐसे है कि आपको पेशेंट को स्वस्थ बैठने नहीं देंगी, इरिटेशन होगा, माइंड मेंटली इरिटेट होगा पेशेंट, और उसका इरिटेशन होने के बाद बाद में और बॉडी में हीट जनरेट होंगी और उष्णता बढ़ेंगी और ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी। तो आपको ये थोड़ा सा समझना है कि जो मैंने बताया कि एनवायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से आपको फंगल इन्फेक्शन का जो आपने कॉमन ट्रीटमेंट प्लान किया है, पर ये चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये कल्पों में थोड़ा सा ध्यान रखना है, और आपको थोड़ा सा वे बदलाना है ट्रीटमेंट का और इसमें एडिशनल करना है। और कप पित्त का शोधन होने के लिए आरगवत फलमज्जा फंड आपको यूज करेंगे तो ये अच्छा रिजल्ट देगा। 40 ml आपको रात में यूज करना है सोने के पहले, तो
ये थोड़ा सा अच्छा काम करेगा, पित्त को ये करेगा। अगर लोकल एप्लीकेशन में देखा जाए तो आप जैसे फंगल इन्फेक्शन है, बहुत दिनों का है, वो स्किन को हार्डनेस लाता है, ऐसा देखा गया है कि कार्क्षणता हो जाती है वहाँ पे, यानी और लाइकन प्लैनर जैसी कुछ कंडीशन डेवलप होती है फंगल इन्फेक्शन के बाद में भी होती है, और इंडिपेंडेंटली भी हो जाती है, तो स्किन ये हो जाती है, वहाँ के सेल थिकेंड हो जाते हैं। तो जो एप्लीकेशन देते हैं लोकल एप्लीकेशन, वो पेनिट्रेट नहीं हो पाता, तो जो रिज़ल्ट आपको 7 दिन में आना है वो आपको 14 दिन लग जाते हैं, 1 महीना महीना लग जाते हैं। तो इसमें कैसा है, यूज़ दिमाग का यूज़ करके, परेशान करके उसको यूज़ करना है तेल को, तो वो लेयर के डीप जाके आपको क्लिनजिंग देगा, और जो इफेक्ट 20 दिन में आना है वो 2 दिन में आ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि इसमें शीत गुणधर्म का तेल, तो नारियल के नारियल तेल है, खोबरे का तेल, खोबर तेल है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना है, किसी भी तेल को ब्लेंड करके उसमें आपको यूज़ करना है। समर सीज़न में जब स्वेटिंग होती है तो डस्टिंग ये सबसे मेन आपकी, यानी ये बोलेंगे कि सबसे मेन उपक्रम रहेगा कि आपको स्वेटिंग कम करने के लिए डस्टिंग पाउडर और ये यूज करना है। उसमें हमारा जो है शंख, जिरक या यशत भस्म, सारीवा, उशीर, चंदन, इसको कापड़ चूर्ण छान के फाइन क्वांटिटी में इसमें मिक्स करके ये आप कॉम्बिनेशन डस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि स्वेट को आप जो क्वांटिटी है उसकी जो हो रही है उसको कम कराओगे, और वहाँ के वो जो जगह पे जो वेटनेस हो रहा है और उसको ड्राई करने का काम करेगा। और सबसे ज़्यादा ये कि मैंने जो बात बोली थी कि स्वेट की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव करने का काम करेगा, तो डस्टिंग ये सबसे मेन बात है, और पेशेंट के हिसाब से आपको पंचकर्म और ये करना है। अभी इसके बाद में आपको जो बात है कि रेनी सीज़न, तो रेनी सीज़न ये भी ऐसा कहा है कि इसमें वात का प्रकोप होने लगता है और पित्त का संचय होने लगता है। तो ये सीज़न में ऐसा है कि जैसे टीनिया इन्फेक्शन है, टीनिया इन्फेक्शन के हिसाब से बॉडी के जो पार्ट्स है उसके हिसाब से अलग अलग पार्ट्स पे जैसा होता है, तो उनके अलग अलग नाम है, जैसे टीनिया फ्लोरिस है, टीनिया कैपिटिस है, टीनिया कार्पोरिस है, टीनिया मैनम है, टीनिया उंगिया है, तो ये ऐसे बहुत सारे टाइप है उसके। तो रेनी सीज़न में कैसा है कि सब ह्यूमिड ह्यूमिडिटी रहती है एटमोसफेयर में, तो और ये सब बातें होने के कारण इसमें भी डस्टिंग का यूज़ आप कर सकते हैं अच्छे से। इसमें मेन बात है कि धूपन, कि जो वेटनेस है उसको ड्राई करने के लिए धूपन बहुत इफेक्टिव कारगर होता है, और रिजल्ट भी आपको, यानी जैसा लॉन्ग टर्म इफेक्ट चल रहे हैं और सीज़न में भी ये आ रहे हैं, वही मेडिसिन आप शुरू कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि रिजल्ट ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अब एक सिचुएशन आती है कि वहाँ पे रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, वही सेम सेम सिचुएशन चल रही है, तो ये थोड़ा सा एक प्लानिंग करने के बाद में वो सीज़न में आपको थोड़ा सा अलग रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसमें अगर यूज करना है आपको तो वंग भस्म हो जाता है, क्योंकि बारिश की वजह से और ये कि धातु बाहर में जो दिखता है अपने को, धातु लेवल पे भी शैथिल्य ये जो है वो डेवलप हो जाते हैं। शैथिल्य यानी क्या है, तो हम आगे भी कुछ इसमें लाइव आ जाएंगे तब, ये जो टर्मिनोलॉजी से शैथिल्य है आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी से, इसका प्रैक्टिकल अप्लीकेशन या प्रैक्टिकल डेफिनेशन आपको बताने की कोशिश करते जाएंगे। तो शैथिल्य यानी क्या है कि जो धातु है अपने सप्त धातु, वो उनका जो क्वालिटी है तो वो अपनी क्वालिटी लॉस कर देते हैं, ये भी एक मीनिंग है उसका। शैथिल्य यानी जो अपन सोचते हैं कि थोड़ा सा गीलापन, वो धातु लूज हो जाना, और वहाँ पे ये जो जनरल मीनिंग है ये तो है ही, पर इसके साथ ही जो पांडु अगर पढ़ते हो, पांडु में धातु का शैथिल्य ऐसे संप्राप्ति में जो आया है, तो वहाँ पे शैथिल्य यानी ये बात नहीं रहती है। वो शैथिल्य यानी क्या है कि धातु की जो क्वालिटीज़ रहती है
हर एक धातु की अपनी अपनी क्वालिटीज़ है, तो वो अपनी क्वालिटीज़ छोड़ने लगता है तो धातु में शैथिल्य आ जाता है, ऐसा एक बोल सकते हैं अपन। तो यहाँ पे ये वंगा भस्म जो है या त्रिवंगा भस्म भी है, तो ये वही शैथिल्य होगा क्योंकि नेचर में ये त्रिवंग ये कि ये काठिन्य का स्वरूप है। तो पंचभौतिक के हिसाब से अगर महाभूत के हिसाब से अगर हम विचार उसको सोचते तो इसका मूल धर्म है काठिन्य। तो ये जहाँ पे भी शैथिल्य आया है, शैथिल्य निर्माण हुआ है, तो उसको दृढ़ता करने का काम वंग भस्म या त्रिवंग भस्म ये करेंगे। उसके साथ में ये उष्ण वीर्यात्मक है, तो रेनी सीजन में जैसा शीत वातावरण हो जाता है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। सेम इन्फेक्टिव पैथोलॉजी को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। वेटनेस ज़्यादा है तो शैथिल्य रहेगा, तो उसको ड्राई करने का, क्योंकि इसका फॉर्म जो है ये भस्म फॉर्म है, तो भस्म फॉर्म ये एब्सॉर्प्शन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा यूज होगा। यहाँ पे जहाँ पे बारिश के समय में जहाँ पे गीला हो जाता है तो हम रेती डाल देते हैं या सूखी मिट्टी डाल देते हैं, तो वो वाटर को सोख लेती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को या उस तरीके से सोच के ये भस्म हमें इंटरनल और आउटर भी यूज करना है। जैसे मैंने डस्टिंग बोला तो ये डस्टिंग भी वो क्वालिटी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेन वेटनेस या ये प्रॉब्लम जहाँ पे कब आती है कि हेल्दी पर्सन है और जैसा अक्टूबर हीट है, ये हीट ड्राई रहती है, अभी जो समर में है जो हीट है वो ड्राई हीट है, और जैसे अक्टूबर ये यहाँ पे थोड़ी बारिश भी आती है, थोड़ी सी यानी बहुत ज़्यादा धूप भी रहती है, तो ये मॉइस्ट हो जाती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण स्वेटिंग जो है वो बहुत अलग क्वालिटी की स्वेटिंग रहती है, वहाँ पर ईचिंग ये बढ़ जाती है, वहाँ पे भी डस्टिंग बहुत मेजर रोल ये करेगा। ये तो अगर रेनी सीजन में आपको अगर यूज करना है तो सुवर्णमाक्षी ऑल सीजन के लिए फेवरेट है, ऑल सीजन में आप यूज कर सकते हैं क्योंकि रक्त का प्रसादन करना है इसमें। तो वंग भस्म और सुवर्णमाक्षी की ये एक बात होगी। एकल द्रव्य चूर्ण ये करना है तो बाकुची खदीर निम्ब इनका यूज कर सकते हैं आप। एक जो कॉम्बिनेशन आप ये कर सकती कि रस सिंदूर, अगर रस सिंदूर जो भी मैंने अभी बात किया है कि थिकंड लेयर स्किन लेयर बन गई है ये इन्फेक्शन में, तो इसमें रस सिंदूर क्योंकि ये इसका भेदन यानी पेनिट्रेट करने का प्रॉवर भेदन प्रॉपर्टीज़ की अच्छी है, तो वो इसके साथ में आप रस सिंदूर, अभी रस सिंदूर ये उष्ण वीर्य का एक भस्म है, तो आपको अगर इसको कॉम्बिनेशन में अच्छे से मैनेज करना है तो रस सिंदूर प्लस आमलकी निम्ब खदीर और चक्रमर्दक घनवट्टी या चक्रमर्दक घन इनका एक कॉम्बिनेशन बना के ये आप रेनी सीजन में फंगल इन्फेक्शन में मोस्ट ऑफ जगह पे आप यूज़ कर सकते। वो थोड़ा सा आपको तारतम्य में यूज करना है कि कहाँ पे आपको ये मेडिसिन देनी है यहाँ पे। और अगर आसव अरिष्ट और काढ़ा के इसमें तो खदीरा अरिष्ट, विदंगा अरिष्ट और देवदार अरिष्ट, ये सब जो अरिष्ट है आप इसमें यूज कर सकते, ये अच्छा आपको रिजल्ट देंगे, क्योंकि देवदार अरिष्ट विडंगा अरिष्ट ये इनका अगर फलश्रुति भी देखते हैं तो ये प्रमेह में आए, प्रमेह में सबसे ज़्यादा धातुओं का शैथिल्य ये टर्म यूज होती है, और आपको आगे में जाके समझेगा कि क्या लेवल का शैथिल्य और उसको शैथिल्यों को प्रैक्टिस में भी कैसे यूज करना है, अगर आता है दिखता है फैशन में तो पर्सपेक्टिव कैसे चेंज करना है उनके, तो ये एक बात होगी। तो उसमें ये जो देवदार वरिष्ट विडंगा अरिष्ट इसकी चॉइस जो की है तो ये इस हिसाब से की है, और पटुल रोहिणी क्वाथ ये भी थोड़ा सा बेटर रिजल्ट मैं अपने प्रैक्टिस में जब यूज करता हूँ तो ये पेशेंट में भी हमें देखने को मिलते हैं। और साथ में जो मैंने बोला है कि कफ और पित्त का संसरण करने के लिए रघुवत फल मज्जा फल, ये आप इजीली बना सकते हो, इजीली अवेलेबल भी रहता है बहुत जगह। अभी हमारे जो पेज है चैनल का पेज है वहाँ पे द्रव्यगुण का अगर लेक्चर्स देखते हैं या वीडियो कुछ अपलोड हुए उसमें बताया रघुवत के बारे में,
तो ये उसका ये जो है फलमज्जा फंड आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं और पेशेंट को इजीली आप यूज़ में आ सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो ये एक हो गया। हम बाह्य लगाने के लिए आप करवंटी का तेल, करंज तेल, महामरीचा दी तेल, ये सब है। गंधक तेल प्लस अर्क तेल, ये बात हो जाती है। और डस्टिंग, डस्टिंग में एक चीज़ रहेगी यहाँ पे कि यशन भस्म थोड़ा सा बेटर रहेगा रेनी सीजन में। तो यशन भस्म इसमें एक डिफरेंट टाइप में करना है। अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि विंटर सीजन में जो टीनिया इन्फेक्शन दिखते हैं तो ट्रीनिया क्रूरिस और वर्सिकुला, ये थोड़े ये इन्फेक्शन मोस्ट ऑफ दिखते हैं विंटर सीजन में। टीनिया वर्सिकुला अगर देखते हैं तो ये पिंक रोजेस स्पॉट्स जैसे एक वाइटिश डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाता है बॉडी पे, जनरली चेस्ट पे और पीठ पे ज़्यादा रहता है। और ये बहुत सी बार तो अनएक्सपोज रीजन में रहता है। इसमें ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है और विंटर का सीजन भी वैसा है कि यहाँ पे वात का प्रकोप ये रहता है और कफ का संचय होने लगता है। तो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा मेन फैक्टर विंटर सीजन में अपने को ये फंगल इन्फेक्शन की इसमें टैकल करना रहता है। तो अगर इसमें भी मैं बताने जाऊँ तो महातिक्त ग्रुथ या पंचतिक्त ग्रुप, इनका यूज़ मैक्सिमम क्वांटिटी में यानी मैक्सिमम जगह आप कर सकते हो। और दूसरा एक बात ये करना है कि वंग भस्म, कासीज भस्म, ये इसमें एक डिफरेंट है। कासीज भस्म इसका यूज़ आप डिफरेंट तरीके से आप कर सकते हैं। चूर्ण में भी एकल द्रव्य में बावची और खदीर लोद्र एक हो सकता है, इसमें एक यूज कर सकते हैं। बाकी जो द्रव्य है, जो मेन द्रव्य है एकल द्रव्य जो कुष्ठ में हम यूज़ करते हैं, वो तो आप यूज़ करोगे। मैं अपना एक एक्सपीरियंस पेशेंट देखने के बाद मुझे जो रिजल्ट मिले हैं तो वही मैं शेयर कर रहा हूँ इसमें। और एक रस सिंधु, रामलकी, निम्बक, खदीर और चक्रमर्द, ये जो एक कॉम्बिनेशन बोला है वो ये सीज़न में भी आपको हेल्प करेगा। कफपित्त के शोधन के लिए सेम ही है कि आरागवन फलमज्जा फंड, ये मेरे प्रैक्टिस में थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये एक बात है। तो ये सब जो है ये थोड़ा सा जनरलाइज थोड़ा सा डिस्कशन हो गया है यार। एक पर्टिकुलर अगर फंगल इन्फेक्शन को स्टेप बाय स्टेप अगर ब्रेक डाउन करना है और हर एक टॉपिक पे डिटेल ये करना है तो वो भी हम कर सकते हैं आगे, अगर आपका आपको ये पसंद आता है, और आगे भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एक अप्रोच था फंगल इन्फेक्शन में कि जैसे एनवायरमेंटल चेंजेस की एनवायरमेंट जैसे चेंज होता है तो आपके ट्रीटमेंट में भी थोड़ा सा चेंजेस होना चाहिए। और ये जो फैक्टर है एनवायरमेंट का, और इसमें जो भी थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं जो लक्षण हैं तो उनको हमें ध्यान देना है, क्योंकि पेशेंट को पेशेंस नहीं है। पेशेंट बार बार कंप्लेन करते रहता है और हम भी पैनिक हो जाते हैं कि ये कैसा हुआ। तो ये थोड़ा सा एक फैक्टर मुझे बताना था, थोड़ा सा अलग मुझे लगा कि इस पे थोड़ा सा रोशनी डालना चाहिए कि फैक्टर ये सीज़न के हिसाब से आप फंगल इन्फेक्शन में थोड़ा सा सोचिए कि आपकी जो मेन प्रोटोकॉल है वो चलता रहेगा, पर उसमें अगर आप कुछ चेंज कर सकते हो तो थोड़ा सा ये भी अप्रोच आपको चेंज करना है। इसके लिए हमने ये थोड़ा सा लाइव आके बताने की कोशिश की है। तो थैंक यू, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें सुना है। तो आपने जो भी कमेंट्स में क्वेश्चन किए होंगे मैं उनको देख के रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।